सैमसंग ने आज भारत में नए गैलेक्सी M55S 5G को लॉन्च किया है। ये फोन अप्रैल 2024 में ही लॉन्च हुए गैलेक्सी M55 5G का एक वर्जन है, जिसे कंपनी ने लगभग सभी M55 के ही फीचर दिए हैं, लेकिन कम दाम में। हालांकि इनमें छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन कंपनी ने इस बार गैलेक्सी M55S को 20,000 के बजट में पेश करके इसे ग्राहकों के लिए एक अच्छा और किफायती विकल्प बना दिया है, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 चिपसेट। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सैमसंग गैलेक्सी M55S को थंडर ब्लैक और कॉरल ग्रीन रंगों में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने इसे भारत में दो स्टोरेज विकल्पों में पेश किया है, जिन्हें आप 26 सितंबर 2024 से Amazon और Samsung India ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। कुछ बैंक कार्डों के साथ खरीदने पर ₹2,000 की छूट भी है। 8GB प्लस 128GB ₹19,999 और 8GB प्लस 256GB ₹22,999 के प्राइस में है। सैमसंग गैलेक्सी M55S 5G का डिजाइन गैलेक्सी M55 5G के डिजाइन से थोड़ा अलग है। इसके रियर पैनल पर आपको दो शेड नजर आएंगे, जिन पर तीन वर्टिकल स्ट्राइप भी हैं और बाईं साइड में तीन कैमरा कटआउट हैं। फोन में 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ लॉन्च किया गया है। इसी स्क्रीन में ऊपर बीचों बीच 50MP का पंच होल सेल्फी कैमरा भी है। डिस्प्ले के मामले में स्क्रीन स्मूथ और ब्राइटनेस काफी बढ़िया दिया गया है। वीडियो कॉलिंग और रील्स के लिए सेल्फी कैमरा बढ़िया है। कैमरा और परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है। इस फोन में कैमरे और चिपसेट वही हैं, जो गैलेक्सी M55 में हैं। रियर पैनल पर जाएंगे तो यहाँ तीन कैमरा मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी सेंसर 50MP का है, सेकेंडरी कैमरों में 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल हैं। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए फोन बेस्ट है। वही स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर है, जिसके साथ 8GB तक की रैम और 256GB तक की स्टोरेज है। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। फ्री फायर जैसे गेम काफी अच्छा चलेगा। फोन में 5000mAh की बैटरी है, जो 45 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 14 पर UI 6.1 स्किन है। इसके साथ आपको सैमसंग नॉक्स वॉल्ट, क्विक शेयर, वॉइस फोकस मोड जैसे फीचरों का लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।